वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानू इह वीडियो चंगी लगी तां इस नू लाइक अते शेयर जरूर करो। प्यारी साध संगत जी, अक्सर देखण विच आया है कि नहाउण तो बाद कई लोग बाथरूम नूं गंदा ही छड्ड दिंदे ने। सिर्फ इन्ना ही नहीं, नहाउण तो बाद कई लोग होर भी गलतियां करदे ने जो कि बहुत गलत हन। तां आओ फिर जाणीए उन्हां गलतियां नूं जो सानूं नहीं करनियां चाहीदियां। कुछ लोग नहाउण तो बाद साबण वाला पानी एवें ही छड्ड के बाहर आ जांदे ने जो कि आलस दी पक्की निशानी है। दूसरा, कई लोग जिस दिन सिर धोंदे ने ओह वाल टुटदे ने, उन्हां नूं बाथरूम विच ही छड्ड आउंदे ने। इस तरह करन नाल घर नकारात्मकता दा वास हुंदा है। तीसरा, जिस बाल्टी या टप विच तुसी नहाउंदे हो उस नूं कदे भी खाली करके नहीं रखना चाहीदा। जे रखना है तां उस नूं उल्टा करके रखो। खाली टप जां बाल्टी सीधी ना रख के आओ, इह कंगाली दा सीधा बुलावा है। अगला है जी, नहाउण तों बाद कपड़े नहीं धोणे चाहीदे। जे धोने हन तां नहाउण तों पहलां धोवो। इस तरह शरीर अपवित्र हो जांदा है। कई बार नहा के पाठ पूजा भी करनी हुंदी है फिर सुचम नहीं रहिंदी। फिर है जी, नहाउण तों बाद कईआं दी आदत हुंदी है जिन्हां कपड़िआं नाल इशनान कीता हुंदा है उन्हां नूं एवें ही बाथरूम विच सुट के आ जांदे ने। जे इस तरह की कोई आदत है तां इन्हां नूं छड्ड दिओ क्योंकि ये आदतां आलस नूं होर वधाउंदियां ने ते नकारात्मकता दीआं निशानियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।